अनिर्वाच वेद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्ताय सेते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्च भूद्विश्वं चरम चरमोच वचमिदं नमामास्तद् ब्रह्मा परिमित सुख ज्ञानमृतम् ओम शांति शांति शांति। आवाज कैसी जा रही है? अच्छी है, क्लियर है स्वामी जी। हाँ ठीक है। चतुर्थ सूत्र के ऊपर विचार चल रहा है, तो पूर्व पक्ष का हो गया था, सिद्धांत प्रारंभ हुआ। पूर्व पक्ष ने कहा कि वेदांत वेद है और वेद शास्त्र है, तो शास्त्र होने के कारण प्रवृत्ति निवृत्ति परक होगा, इसलिए केवल सिद्ध वस्तु ब्रह्म का ज्ञान कराने में शास्त्र का शास्त्रत्व तो नहीं है। तो फिर उपासना क्रिया से संबद्ध, उपासना जो मानस क्रिया है, क्रिया से संबद्ध जो ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म का ज्ञान कराने में तात्पर्य है, इसलिए उपासना में तात्पर्य मानना चाहिए वेदांत को। ऐसा पूर्व पक्ष ने जब उपसंहार किया, पूर्व पक्ष है वेदांत का एक देशी। अब परम सिद्धांत इसका समाधान करते हैं अत्र अभिधीयते इस शब्द से। पूर्व पक्ष ने जब ऐसा कहा कि वेदांत का तात्पर्य उपासना में है, उपासना करेगा तो जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा बता दिया, क्योंकि कार्य से युक्त पदार्थ में ही शब्द की शक्ति होती है और शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति फल वाला है और सिद्ध वस्तु का ज्ञान में कोई फल नहीं है और श्रोतव्य के बाद मंतव्य निधिध्यासितव्य ऐसा विधान किया गया, इसलिए वेदांत उपासना परक है, उपासना में तात्पर्य होता है, ऐसा पूर्व पक्ष ने जब उपसंहार किया था तब इसके ऊपर समाधान किया जाता है ना अत्रा विधीयते न भाष्य में आया था। क्यों बोलते हैं, जो है ये जो ब्रह्म का ज्ञान से होने वाला जो फल है वो विधि से नहीं होता, वो इसलिए मोक्ष न विधिजन्य कर्म फल विलक्षणत्वात् आत्मवत्, ये अनुमान हो जाएगा। देखो ज्ञान से होने वाला जो फल है मोक्ष, वो मोक्ष विधि से नहीं, ना कोई प्रवृत्ति ना कोई निवृत्ति, है ना, ऐसा अनुमान करना है। मोक्ष न विधिजन्यम कर्म फल विलक्षणत्वात् आत्मवत्, जैसे आत्मा कर्म के फल से विलक्षण है, आत्मा तो नित्य है, मोक्ष भी नित्य है ना, इसलिए कहा हेतु देखो कह दिया, कर्म ब्रह्म विद्या फलयोर विलक्षण्या, कर्म का जो फल होता है स्वर्ग आदि ब्रह्म लोग आदि, उससे ब्रह्म विद्या का फल जो मोक्ष है विलक्षण होता है। इसी को भावतीकार ने बड़ा सुंदर ढंग से वो कह दिया, कैसे ही भावती में चल रही थी।
पुण्य पुण्य कर्मणो फले सुख दुखे तत्र मनुष्य लोकम आरभ्य आ ब्रह्मलोका सुखस्य तारतम्यम अधिक अधिक उत्कर्ष। अधिक अधिक सुख देखा जाता है मनुष्य से लोग मनुष्य से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत सुख सबका समान नहीं होता है, तारतम्य होता है। तरतमस्य भाव इति तारतम्यम मतलब अधिकतर अधिकतर अधिकतम को बोलते हैं तारतम्य। जैसे दो पुत्र भी हो गए, देखो दोनों को सुख कहाँ समान मिलता है। दोनों को समान ज़्यादा दे भी दो तभी सुख सबको नहीं मिलता है समान, ये दोनों का पुण्य अलग अलग है। और दुख भी ऐसे समझ लो। एवं मनुष्य लोकम आरभ्य दुख तारतम्यम आ बीच लोकात, ये बता दिया। तो तात्पर्य क्या निकला, तच्च सर्वम कार्यम च विनाशी। ये देखो भी जितने भी फल हो रहा है यहाँ से लेकर के सुख ब्रह्मलोक पर्यंत और यहाँ से लेकर के नीचे नरलोक पर्यंत दुख, ये सारा सुख दुख जो होता है ये उत्पन्न होता है और विनाशी होता है। आचार मोक्ष जो होता है आत्यंतिकम तो अशरीरत्वम अनतिशयम स्वभाव सिद्धतया नित्यम अकार्यम आत्मज्ञानस्य फलम। देखो भावमति चल रही भैया, पेज नंबर क्या है राजू बताओ। 133। और ये जो ब्रह्म विद्या से होने वाला जो फल है वो बोलते हैं आत्यंतिक है ना। हाँ, जिससे आत्यंतिक का अर्थ अविनाशी है, अविनाशी है। ब्रह्म विद्या का फल जो मोक्ष है ये तो अविनाशी है, हैं आत्यंतिकत्व अशरीरत्वम। ब्रह्म विद्या का फल शरीरत्व नहीं, अशरीरत्व, शरीर की प्राप्ति नहीं होती है। और अनतिशयम जिससे बड़ा कोई सुख नहीं है, उसका थोड़ा सा झलक मिलता है सुसुप्ति में। हाँ, चाहे राजा हो बड़े सुंदर भोजन करके खा कर सो जाए, चाहे सूखी रोटी रिक्शा चलाने वाला खा कर सो जाए, दोनों का सुख समान होता है क्योंकि वहाँ सबका स्वरूप एक ही है ना। सबके संबंध का अभाव हो गए, जागृत में स्वप्न में जो संबंध था वो संबंध से होने वाला जो सुख होता है, और सुसुप्त में गया तो फिर जो परमात्मा से एक हो गया, संबंध छूट गया। सता सौम्य तदा संपद्यामहे, है ना। सद ब्रह्म के साथ जब एक हो जाता है तो सबका सुख समान हो जाता है। इसलिए कहते हैं अनतिशयम, उससे बड़ा और कोई सुख नहीं होता है। जैसे सुसुप्त में होने वाला सुख से बड़ा कोई सुख नहीं होता है। और वहाँ तो भले ही अविद्या हो, और अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर सुख के बारे में कहना क्या है, है ना। और वो स्वभाव सिद्धतया परमानंद सुख होता है, वो स्वभाव से सिद्ध है। और लड्डू का सुख स्वभाव से सिद्ध नहीं है, लड्डू हो तो सुख होगा। तो परमानंद सुख कैसा है, स्वभाव सिद्ध है वो, स्वभाव सिद्ध है। और नित्यम, वो नित्य है। मोक्ष जो होता है नित्य होता है। और अकार्यम, वो किसी कार्य नहीं है, वो उत्पन्न नहीं होता है वो। कौन, आत्मज्ञानस्य फलम, कर्म उपासना का फल इससे उल्टा हो गया है ना। विनाशी है वो, सशरीरत्व है वो, सातिशय सुख है वो, हैं, और नैमित्तिक है, स्वभाव से सिद्ध नहीं है कर्म उपासना का फल। और अनित्य है, आत्मज्ञान का फल नित्य है। कर्म का फल कार्य है, ब्रह्म विद्या का फल अकार्य है, इसलिए विलक्षण हो गया ना।
आत्मज्ञानस्य फलम। ये बताओ तुमको जो मोक्ष होता है ये ज्ञान होने पर होगा कि ज्ञान के बिना भी होगा भी मोक्ष? जैसे स्वर्ग आदि फल कर्म से होता है, कर्म के बिना जैसे स्वर्ग आदि फल नहीं होता है। कर्म हो तो स्वर्ग आदि हो और कर्म न हो तो स्वर्ग आदि न हो, है कि नहीं? इसी प्रकार ये मोक्ष रूपी फल यहाँ पर भी तो ज्ञान से हो रहा है। ज्ञान हो तो मोक्ष हो और ज्ञान न होने पर मोक्ष नहीं है ना। इसलिए स्वर्ग आदि सुख रूपी फल जैसे कर्म से जन्य हो रहा है ना, इसी प्रकार मोक्ष भी तो ज्ञान से जन्य हो गया। तो यदि कर्म का फल यदि अनित्य है तो ज्ञान से होने वाला मोक्ष रूपी फल ये भी अनित्य होना चाहिए। देखो यहाँ पर बोलते हैं ज्ञान से होने वाला जो फल है ना मोक्ष, वो फल की तरह फल है, वास्तविक फल वो नहीं है। हाँ, फिर ज्ञान से फिर वो ज्ञान क्या करता है? ज्ञान कुछ नहीं करता है, केवल अविद्या रूपी जो आवरण है जिस आवरण के कारण परमानंद की अनुभूति विशेष रूप से नहीं हो पा रही है। सामान्य रूप से तो परमानंद की अनुभूति होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो आत्मा से करते हो, क्योंकि आत्मा परमानंद स्वरूप है। इसलिए पंचोदशीकार ने कहा ना, यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यतः। आत्मा जो है परमानंद स्वरूप है, इसलिए सब उससे परम प्रेम करते, परम प्रेम का आस्पद है। हाँ, सामान्य रूप से भी यदि भान ना हो मेरा स्वरूप आनंद स्वरूप है, ऐसा यदि बिल्कुल भान ना हो तो आत्मा से परम प्रेम ना होता है। अरे विशेष रूप से यदि भान हो जाता है मेरा मेरे में ही परमानंद है और कहीं बाहर है ही नहीं, ऐसा विशेष रूप से यदि भान हो जाता है तो बाहर में क्यों दौड़ता है व्यक्ति फिर, है ना? इसलिए आत्मा की परमानंदता का विशेष भान नहीं होता है, समझ में ना? इसलिए बाह्य प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए ज्ञान क्या करता है? तो विशेष स्वरूप को आवरण करने वाला जो अज्ञान, ध्यान से सुनेगा, अज्ञान जो आवरण है ना, आवरण प्रधान जो अज्ञान है वो विशेष स्वरूप को भान नहीं करने देता है ना? इसलिए तो अधिष्ठान बनता है ना। अधिष्ठान उसी को कहते हैं जिसका सामान्य रूप से भान हो और विशेष रूप से भान न हो। इसलिए मेरा स्वरूप परमानंद तो है, ये सामान्य रूप से भान है, और परमानंद रूपता तो मेरे में ही है, ये विशेष रूप से भान नहीं हो रहा है, समझ में ना? इसलिए तो भ्रांति हो रही है। तो यहाँ पर सुख मिलेगा वहाँ पर सुख मिलेगा, ये भ्रांति है ये, है ना? और मेरे में सुख होगा बोल रहा हो। मेरे में विशेष सुख होगा, किससे होगा? विषय से होगा, ये भ्रांति होगी ना। अपना स्वरूप तो परमानंद रूप ही है लेकिन विशेष सुख होगा मेरे में, ये भ्रांति है। है कि नहीं? विषय से होगा, विषय से होगा, नहीं तो लोग बोलेंगे नहीं ध्यान करो, नहीं तो विपासना में जाओ ध्यान सीखो, ध्यान सीखो क्या होगा? तो परमानंद जो है वो परमानंद जो विशेष रूप विशेष है ना आनंद, वो पैदा होगा उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ सब जो है भ्रांति, समझ में ना? ज्ञान वही विशेष परमानंद रूप को आवृत करने वाला जो अज्ञान था उसको दूर करता है, बस अविद्या के निवृत्ति मात्र से वो मोक्ष प्रकट हो जाता है, इसलिए उस मोक्ष को फल की तरह फल कह देते हैं, है ना? जैसे पहले दृष्टांत दिया ना कि तुम्हारे गले में माला है, ऐसा ज्ञान होने मात्र से अविद्या की निवृत्ति हो गई, भ्रांति की निवृत्ति हो गई, और माला को जैसे प्राप्ति की तरह बता दिया,
है कि नहीं, इसलिए ज्ञान का जो फल होता है वो प्राप्त की प्राप्ति है ना, प्राप्त की प्राप्ति है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर बोल रहे हैं, अविद्या अपनय मात्रेण आविर्भावात्। अविद्या जो आवरण है उसका अपनन करने मात्र से मोक्ष जो परमानंद स्वरूप है वो आविर्भाव हो जाता है, उत्पन्न नहीं होता है ज्ञान से भी। एतत् उक्तम भवति, इसके ऊपर बाद में करेंगे, पहले भाष्य देख लो। ये जो हमने एक अनुमान बताया भाई सुनिएगा, मोक्ष न विधिजन्य कर्म फला विलक्षणत्वात् यथा आत्मा, मोक्ष विधि से जन्य नहीं होता है ना, कोई भी कर्म से जन्य नहीं होता है ना, कर्म फला विलक्षणत्वात् ये हेतु दिया है। मोक्ष जो ज्ञान से होता है ये विलक्षण है, कर्म से मिलने वाला फल से विलक्षण है, तो हेतु हो गया कर्म फल विलक्षण्यम है। पहले ही पक्ष में हेतु का ज्ञान होना चाहिए, जैसे पर्वतो बन्निमान धूमान, पर्वत में आपको धूम का ज्ञान पहले होना चाहिए है, इसको बोलते हैं पक्ष धर्मता का ज्ञान। पक्ष धर्मता का ज्ञान होना चाहिए, यदि नहीं होगा तो स्वरूपा सिद्धि दोष होता है। पक्ष में हेतु का ज्ञान यदि ना हो तो स्वरूपा सिद्धि होता है। इसी प्रकार से मोक्ष रूपी पक्ष में कर्म फल विलक्षण्यम ऐसा जो हेतु है, इस हेतु का ज्ञान पहले होना चाहिए। सुन रहे हैं ना अव्यक्तानंद जी? तो हेतु हो गया, हेतु क्या हुआ, कर्म फल विलक्षण्यम, ये हेतु हो गया। पक्ष हो गया मोक्ष, साध्य हो गया जो है न विधिजन्यत्व, विधिजन्यत्व का अभाव, ठीक है ना। तो हेतु हो गया कर्म फल विलक्षण्यम, इसका ज्ञान होना चाहिए। मोक्ष में कर्म फल की विलक्षणता ये आएगा है ना, अर्थात कर्म में अनेक प्रकार का फल देखा जाता है ना। तो इसी को यहाँ पर कह रहे भाष्य में देखो भाई, शारीरम वाचिकम मानसम च कर्म श्रुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम। ये देखो कह रहे हैं भाई है ना, कुछ कर्म शरीर से होता है, कुछ कर्म वाणी से होता है और कुछ कर्म मन से होता है। अब जानते हैं शारीरम वाचिकम मानसम च कर्म, और शिष्य जब जाता है गुरु के पास सार समर्पित कर देता है, शरीर से भी वाणी से भी और मन से भी, है कि नहीं, मतलब तीनों एक हैं। हाँ मतलब मन में जो है वाणी में वही है और शरीर में भी वही है। यही साधक होता है भैया। वचस्य एकम मनस्य एकम कर्मनेकम महात्मनाम, और वचस्सन्यत मनस्सन्यत और कर्मन्यत जो है दुरात्मनाम। वाणी पहले तो मन, मन में जो है वही वाणी में और उसके अनुसार शरीर में भी यही होता है, क्या ना। तो देखो तीन प्रकार कर्म हो गए, शारीरम वाचिकम और मानसम च कर्म, श्रुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम। ये धर्म रूपी जो कर्म है श्रुति में भी सिद्ध है और स्मृति में भी सिद्ध हो गया, ठीक है ना भाई। ये शरीर से दंडवत कर लिया, देखो शरीर हो गया कि नहीं हो गया, है कि नहीं, स्तुति करता है और वाणी से हो गया, और मन में भी वही सोचता है कि गुरुदेव आप तो श्रेष्ठ है, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ। है कि नहीं, चलो। तो मन में भी वही है। अच्छा, मन से चिंतन करना ये भी मानस कर्म है, उपासना ये भी मानस कर्म है ना। तो श्रुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम,
यद विषया जिज्ञासा, उस धर्म को विषय करने वाली जिज्ञासा होती है कर्मकांड में, अथातो धर्म जिज्ञासा, ये बोल दे देखो, अथातो धर्म जिज्ञासा। यहाँ से लेकर के बड़ा लंबा चौड़ा बोल रहे हैं, ये कर्मों की विलक्षणता है ना। अभी प्रारंभ किया, कर्म ब्रह्म विद्या फलयोर वैलक्षण्यात, ये हो गया सूत्र वाक्य, संग्रह वाक्य। इसका विस्तार से भाष्यकार कह रहे हैं, सारीराम से लेकर के आगे बड़ा लंबा चौड़ा चलेगा अभी, है ना, कि कहाँ तक चलेगा, यथा वर्णितम संसार रूपन अनुबदति, अगले पन्ने तक जाएगा भाष्य में, ये है ना। अशरीरम भाव संतम, उससे पहले यथा वर्णितम संसार रूपम अनुबदते, यहाँ तक विस्तार है। संजमाया सुजाता जी, कहाँ से कहाँ तक? हाँ, यहाँ पर निशान लगा कर रखो, नहीं तो अरण्य में खो जाओगे। तो भाष्यकर भगवान इसका विस्तार से बोल रहे हैं। किसका विस्तार? अभी जो पंक्ति आई थी ना भाई, कर्म ब्रह्म विद्या फलयोर वैलक्षण्या, ये हो गया सूत्र रूप से वाक्य हो गया। इसका विस्तार से यहाँ पर वर्णन है, ये शारीरम वाचिकम से लेकर के यथा वर्णितम संसार रूपम अनुबदते, इस भाष्य पर्यंत ये है इसका व्याख्यान है विस्तार से, है ना। अब देखो भाष्यकार कह रहे हैं, अथातो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रिता, तो अथा मल अनंतरम वेदाध्ययन किया, है ना, गुरुकुल में गया, यज्ञोपवि संस्कार संपन्न हो गया और यह वेद का अध्ययन किया। पहले वेदाध्ययन होता है, फिर मन में जिज्ञासा होती है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, तो ऐसी जिज्ञासा होती है ना, क्योंकि संपूर्ण जो वेद है, संपूर्ण वेद अर्थपरक है ना, फल वाला जो अर्थ है, फल वाला जो अर्थ है, उस अर्थ में ही वेद का तात्पर्य होता है ना। हाँ, तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाला जो धर्म होता है, उस धर्म में तात्पर्य होता है, इसलिए बोले अतः, मतलब वेद फल वाला अर्थपरक है, इसीलिए अतः, अतः हेतु अर्थ में होता है ना, है ना। जैसे अथात ब्रह्म जिज्ञासा है, यहाँ पर भी जैसा है ना ऐसा वहाँ पर भी है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे अथ का अर्थ अनंतर है, वहाँ पर भी अथ का अर्थ अनंतर है, वेदाध्ययन के अनंतर वेद फल वाला अर्थपरक होने से अतः का अर्थ हो गया, है ना। धर्म जिज्ञासा मतलब धर्म का निर्णय करने के लिए, है कर्म जो वाक्य होते हैं, कर्मकांड का जो वाक्य होते हैं, उस वाक्य का विचार करना चाहिए, है ना। हाँ, कर्तव्य का अध्ययन करना है, अथा तो धर्म जिज्ञासा कर्तव्य, ये सूत्र का अर्थ होता है। केवल धर्म को नहीं जानना होता है, अधर्म को भी जानना पड़ता है, है ना। केवल धर्म रूपी कर्म को नहीं, इसके साथ साथ अधर्म को भी जानना पड़ता है ना। इसलिए भाष्यकार बोलते हैं कि अधर्मोपि हिंसादि ही, है ना, हिंसादि, हिंसा मतलब क्या, दूसरे को अनिष्ट होता, उसको लेना हिंसा, समझ में ना। केवल दूसरे को पीड़ा होने मात्र से हिंसा नहीं होती है। और डॉक्टर लोग भी काट फाट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, बच्चा कितना चिल्लाता है, सुई सुई को देखकर चिल्लाता, वो दुख तो होता है बच्चे को, है कि नहीं। तो वो हिंसा नहीं है, है क्या हिंसा है क्या अहिंसा है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण होता है कि नहीं। कुछ लोग नाक ढकते हैं भैया, जैन लोग, हिंसा हो जाएगी, कीड़े अंदर चले जाएंगे तो हिंसा हो जाएगी, है हिंसा अहिंसा में शास्त्र प्रमाण होता है, ठीक है ना भाई। चलो
अच्छा, इसलिए बोलते हैं अधर्म को भी जानना चाहिए शास्त्र से। अधर्मोपि हिंसादि ही, है ना। किस वाक्य से जानेंगे? निषेध पर वाक्य, जिसका निषेध कर दिया वो है हिंसा, समझ में ना, वो है अधर्म। प्रतिशोध लक्षण, प्रतिषेध ज्योतना लक्षणत्वात्, प्रतिषेध जो वाक्य है ज्योतना वाक्य, जैसे सुरा न पातव्या, ब्राह्मणों न हंतव्य, ये होता है प्रमाण। है देखो, अधर्म जो हिंसा आदि, इसमें प्रमाण शास्त्र ही होता है। कौन वाक्य शास्त्र? निषेध वाक्य, जिसका निषेध कर दिया वो होता है अधर्म, जिसका विधान कर दिया वो हो गया धर्म, ये बोलते हैं। इसलिए जिज्ञास्य, क्यों जानना अधर्म को? यदि अधर्म हो रहा है उसको छोड़ने के लिए, ये बोलते परिहाराय, है कि नहीं। जो अधर्म हो रहा है उसको जानने के लिए, अतः आगे भी अधर्म हो सकता है लोभ से, है ना, तो उससे भी जो है दूर हो जाएगा। अधर्म हो रहा है तो अधर्म को छोड़ना है, और आगे यदि अधर्म यदि हो जाए प्रवृत्ति तो उससे भी हटना है। इसलिए आगे देखो भी, तो कर्म को बता दिया है, एक हो गया धर्म, दूसरा हो गया अधर्म। अधर्म अधर्म किससे होते हैं? शरीर वाणी और मन से होते हैं, ये भी भाष्यकर भगवान ने बता दिया। और कर्म के फल को भी अब बता रहे हैं। देखो तयो बोलते हैं भाष्यकर, तयो चोदना लक्षणयो हो अर्थानर्थयो हो धर्माधर्मयो हो फले प्रत्यक्षे सुख दुखे शरीर वांग मनोभिर एव उपभुज्यमाने विषयेन्द्र संयोगजन्ये ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्धे। ये बोलते हैं देखो, जैसे चोदना लक्षणयो, यहाँ पर लक्षण का अर्थ प्रमाण भी देखो, यहाँ पर लक्षण लक्षण का अर्थ प्रमाण लेना है। लक्षते ज्ञायते अनयति लक्षणम, लक्षण का अर्थ होता है प्रमाण। धर्माधर्म में प्रमाण तो शास्त्र होता है ना, चोदना का अर्थ वाक्य, वाक्य चोदना का अर्थ प्रेरित करने वाला वाक्य, वाक्य ही प्रमाण जिसमें, है ना। ये चोदना वाक्यम लक्षणम प्रमाणम ययो हो ते चोदना लक्षणे, है ना। षष्ठी का द्विवचन हो गया चोदना लक्षणयो हो। कौन है? अर्थानर्थयो, एक होता है अर्थ, दूसरा होता है अनर्थ। हाँ, यथा संख्या मनोदेश समानम, धर्म हो गया अर्थ और अधर्म हो गया अनर्थ, है ना। और दोनों का जो फल है, फले हैं प्रत्यक्षे सुख दुखे, सुख दुख होता है प्रत्यक्ष होता है भी। सुख दुख जो प्रत्यक्ष होता है ना, किससे प्रत्यक्ष होता है मालूम है? साक्षी से होता है ना। सुख दुख का भान जो होता है साक्षी से होता है ना। तार्किक लोग बोलते मन से होता है। अरे भाई, सुख दुख तो मन का धर्म है ना। जो सुख दुख मन का धर्म है, मन से कैसे जाना जाएगा? लेकिन ये सब सुख दुख जो काम क्रोध, ये सब जो है मन का धर्म होता है। अब मन तो स्वयं सुख दुख रूप हो गया, वो क्या जानेगा? वो साक्षी भाष्य, साक्षी के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जैसे रज्जु में सर्प भास रहा है, वो जैसे साक्षी भाष्य है। इसलिए का मन में सुख दुख हुआ, ये भी साक्षी से है। इसलिए बोलता प्रत्यक्षे, साक्षी प्रत्यक्ष, प्रमाण से प्रत्यक्ष नहीं। सुख दुखे, लेकिन चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये शरीर वाणी और मन, ये देखो तीनों से होता है। शरीर भी चाहिए, वाणी भी चाहिए, मन भी चाहिए, है ना। कभी शरीर से हो जाता है तो कभी वाणी से हो जाता है। और कभी अपने मन से भी हो जाता है, सोचते सोचते भी ये दुखी हो जाता है। ऐसा हो जाता है ये भोग। देखो शरीर वांग मनोभिर एव उपभुज्य मन, एव कहने से क्या हुआ? शरीर वाणी मन के बिना सुख दुख का भोग नहीं होता है।
सुख दुख का जो भोग है, शरीर वाणी मन जो उपाधि है ना, उपाधि के बिना सुख दुख होता नहीं। उपाधि छोड़ दिया तो ना कोई सुख है ना कोई दुख है कुछ नहीं होता है। आगे लिखे हैं देखो, विषय इंद्रिय संयोग जन्य, ये देखो ये सुख दुख जो हो रहा है ना, केवल शरीर आदि से थोड़ी होगा, विषय भी तो होना चाहिए। विषय के साथ इंद्रिय का संयोग हो गया, विषय के साथ इंद्रिय का संयोग हो गया तब सुख दुख उत्पन्न होता है मन में। विषय अनुकूल हो जाए तो सुख होगा, हाँ, और कौन अनुकूल है कौन प्रतिकूल ये तो अपने ऊपर है। हाँ, लड्डू को देख लिया, लड्डू को देने से कोई सुखी होता है कोई दुखी भी होता है, और क्या। कहीं भिक्षा करने जाए हो कि लड्डू ही पकड़ दिया, अबे पकड़ा दिया है ना, जो पात्र में लड्डू ही डाल दिया तो क्या करोगे। हाँ, डायबिटीज है तो क्या करोगे फिर और क्या ये बड़ी समस्या होती है। केवल महात्मा की बात नहीं है, गृहस्थ की बात ही है। हाँ, अमुक सब्जी हमको चाहिए बोल रहे, वो सब्जी मिली नहीं तो क्या करोगे, दुख तो होगा ही है ना। ये सब जो है किसी के लिए अनुकूल होता है किसी के लिए प्रतिकूल हो जाता है। हाँ, तो अनुकूल होने पर सुख, प्रतिकूल होने पर दुख, निमित्त क्या हो गया, विषय इंद्रिय संयोग जन्य। और विषय इंद्रिय का संयोग जिससे होगा ना, हाँ वो तो जन्य ही होगा है ना, इसलिए ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख योनो या एवते का गीता में है। इंद्रिय सन्निकर्ष से होने वाला जो भोग है वो तो जन्य ही होता है, अनित्य होता है। हैं, ये केवल यहाँ की बात नहीं है, ब्रह्मादि लोक ब्रह्मादिशु स्थावरांतेषु प्रसिद्धे है ना। ये तो ब्रह्मादि लोक स्वर्ग लोक, वहाँ पर भी जो है क्या हो रहा है, हाँ सुख बोलते हैं, दुख होता है कि नहीं। हाँ भगवान आप तो बोल लेकिन स्वर्ग में जाए तो सुख ही सुख, लेकिन भगवान भाष्य कर क्या बोल दिए, ये दुख भी होता है ऐसी बात नहीं है स्वर्ग में जाएंगे तो सुख ही सुख होगा ऐसी बात नहीं, वहाँ पर भी दुख होता है भाई, है कि नहीं। अच्छा, स्थावरांतेषु, स्थावर आदि जो नहीं होती है, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े, उनको जो है दुख होता है, दुख तो दिखता है लेकिन सुख होता है ना, सुख भी होता है उनको, समझ में ना, उनको जो है सुख भी होता है। इसलिए सुख दुख सभी शरीर में होता है, चाहे कभी कम हो और कभी ज़्यादा हो, लेकिन सुख दुख तो सबके शरीर में होता है। स्थावर आदि में भी दोनों सुख दुख दोनों होते हैं। अच्छा, आगे ये समझ के रख लो है। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर ये भी ले लो, ये जो कर्म उपासना से धर्मा धर्म से होने वाला जो सुख दुख है ना, हाँ वो तो शरीर आदि के द्वारा भोग्य हो गया, विषय आदि से जन्य हो गया है ना। लेकिन ये जो मोक्ष है ना, मोक्ष ऐसा नहीं है, मोक्ष तो अतिंद्रिय है, हाँ, और सुख दुख से मोक्ष रहित है, शरीर आदि से भोग्य नहीं है, विषय आदि सन्निकर्ष से जन्य नहीं है, समझ में ना। हाँ अच्छा, और अनात्मविद जो अज्ञानी है, उस अज्ञानी के द्वारा परमानंद स्वरूप जो मोक्ष है वो नहीं भासता है, समझ में ना। हाँ, इसलिए आगे लिखते हैं देखो भाई मनुष्यत्वात् आरभ्य ब्रह्मांतेषु सुखतारतम्यम अनुश्रूयते देहवस्सु। मनुष्य लोक से लेकर के ब्रह्मांत ब्रह्मलोक पर्यंत देहवस्सु, लेकिन शरीर के बिना देखो सुख दुख नहीं होता है भाई, बिना शरीर से सुख दुख होने वाला नहीं। ये बोला देहवत्सु, देह यस्य अस्ति इति देहवान, है ना। जैसे हम लोगों का शरीर है इसी प्रकार मनुष्य ये देवताओं का भी शरीर होता है ना। ये ब्रह्मसूत्र में आएगा देवता अधिकरण में, देवताओं के भी शरीर होता है, बिना शरीर से भोग होता नहीं है, है ना। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं देखो देहवत्सु, जितने भी देहधारी है मनुष्य लोक से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत
ना, सब में जो सुख कहा गया, पुण्य का फल सुख है, लेकिन सुख का तारतम्य होता है। तारतम्य तरतमस्य भाव इति तारतम्यम, मतलब अधिकतर अधिकतम सुख। ये विचार आया है आनंद मीमांसा में, स एको मानुष आनंद ऐसा कह दिया ना, सौ सौ गुना करके, है ना। गंधर्व लोग जो है, देवता लोग है, सब ब्रह्मलोक पर्यंत है ना, और अनुश्रुयते, ये सब अनुभव में दिखता है भाई, योगी को भी दिखता है, अनुभव से दिखता है ना। इसलिए अनुभव पूर्वक ये श्रुति है, इसलिए बोलते अनुश्रुयते, अनुभव अनुसार ही श्रुति है, इसलिए अनु उपसर्ग लगा दिया। ऐसे सुख का तारतम्य दिखता है। और ततश्च भाष्य में देखो, तत् हेतुर धर्मस्य तारतम्यम गम्यते। ये देखो, ये भी अनुमान हो जाएगा ना, फल में यदि तारतम्य है तो फल को प्राप्त करने वाला साधन में भी तारतम्य है, ये हो जाएगा ना। ततश्च मतलब ततश्च का अर्थ सुख में तारतम्य दिखने से, सुख रूपी जो फल है उस फल में तारतम्य होने से, तद हेतु हो, वो फल का जो हेतु है कौन, धर्म, धर्म में भी पुण्य में भी तारतम्य है जाना जाता है, गम्यते जाना जाता है, शास्त्र से भी हो जाएगा, अनुमान से भी हो जाएगा, है ना। ये व्यक्ति अधिक सुखी है, क्यों, अधिक पुण्य किया है, ऐसा है। और आगे देखो, लेकिन मोक्ष क्या है, मोक्ष जो है ना, देखो धर्म का फल हो गया सातिशय, ऐसे उल्टा कर दो, मोक्ष क्या होगा, निरतिशय हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत सुख हो गया सातिशय सुख हो गया, है ना। हाँ, और सुख का साधन में भी तारतम्य होगा, समझ में है ना। यहाँ से लेकर के जो है ब्रह्मलोक पर्यंत सुख में सातिशयत्व आया और तारतम्यत्व आया, तारतम्य आया, और उसके साधन में भी सातिशय है और तारतम्य है, लेकिन मोक्ष में ऐसा नहीं है। देखो उल्टा कर दो, मोक्ष निरतिशय है, कर्म का फल सातिशय है, हो गया ना। हाँ, और सुखों का साधन जो कर्म है उसमें क्या है, एक रूपता नहीं है, अनेक प्रकार का कर्म हुआ है कि नहीं। हाँ, लेकिन मोक्ष का जो साधन है ज्ञान, वो ज्ञान कितने प्रकार का होगा, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान एक प्रकार का होगा, सबका कर्म एक प्रकार का नहीं हुआ, लेकिन मोक्ष का साधन तत्व ज्ञान वो एक प्रकार का होगा, है ना। ऐसा विचार करके रख लीजिए भैया, है ना। विलक्षणता दिखा रहे हैं, मोक्ष रूपी फल और कर्म का फल में विलक्षण आता है, सच में ना, और साधन में भी विलक्षण आता है। तत्व ज्ञान एक प्रकार का होता है और सुखों का साधन जो कर्म वो एक प्रकार का नहीं होता है, ठीक है ना। आप क्या कह रहे हैं कि दोनों का जो अधिकारी है, ठीक है ना, कर्म का अधिकारी विलक्षण है और मोक्ष का अधिकारी विलक्षण है ना। कर्म का अधिकारी कैसा है, आसक्त पुरुष है, समझ में ना। हाँ, और जो है वर्णाश्रम से युक्त होना चाहिए, है कि नहीं, कर्म का अधिकार जिसको है कि नहीं। हाँ, वो होगा कर्म का अधिकारी होगा, है ना। और लेकिन जो है मोक्ष का अधिकारी कोई भी हो सकता है, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, लेकिन साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। साधन चतुष्टय संपन्न जो ज्ञान मोक्ष का अधिकारी वो एक प्रकार का है, उसमें भेद नहीं है। किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, कोई भेद नहीं उसमें। हाँ, एक प्रकार का होता है मोक्ष का अधिकारी, ज्ञान का अधिकारी, साधन चतुष्टय संपन्न एक ही होता है, मोक्ष, और मोक्ष से होने मोक्ष विद्या, मोक्ष हो गया फल, साधन हो गया विद्या, मोक्ष विद्या का अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न एक प्रकार का है, और कर्म का अधिकारी एक प्रकार का नहीं होता है,
है कि नहीं? हाँ, ऐसा नहीं कि किसी को ज्ञान हो गया, ब्रह्म विद्या किसी को हो गई तो फिर वो क्या है, वो ब्राह्मण कहोगे उसको कि क्षत्रिय कहोगे कि ब्रह्मचारी कहोगे, सन्यासी कहोगे, क्या कहोगे उसको? उसमें वो तो सब शरीर का धर्म है उससे कोई मतलब नहीं होता है ना। चलो, इसलिए बोलते हैं धर्म तारतम्या अधिकारी तारतम्यम। देखो भाष्य में है, धर्म रूपी साधन में तारतम्य हुआ, और धर्म का अनुष्ठान करने वाला जो अधिकारी है, अधिकारी में भी तारतम्य देखा जाता है, ये बोलते हैं। प्रसिद्धम च, है ना? हाँ, प्रसिद्ध ही अर्थित्व सामर्थ्यात् सामर्थ्याधिकृतम अधिकारी तारतम्यम। अर्थित्व यही भी देखो, अर्थित्व का अर्थ हो गया फल कामित्व, फल की इच्छा करने वाला है, और सबका सामर्थ्य समान नहीं होता है ना? किसी में धन ज़्यादा होता है तो किसी में धन कम होता है, कोई बहुत ज़्यादा दक्षिणा देता है, कोई कम दक्षिणा देता है, और क्या, कोई सुंदर भोजन कराता है, कोई भोजन नहीं करा पाता है सुंदर, है कि नहीं? इसलिए सामर्थ्य जो लौकिक के पुत्र आदि धन आदि ये अलग अलग होता है। ऐसा है, इसलिए सामर्थ्य आदि आदि पद से ले लीजिए विद्वत्व, किसी को शास्त्र का ज्ञान कम होता है, किसी को शास्त्र का ज्ञान जो है ज्यादा होता है, ये आदि पद से ले लीजिए, कोई ज्यादा चिंतन करता है, कोई कम चिंतन करता है, ये सब सामर्थ्य ले लो। सामर्थ्य आदि कृतम अधिकारी तारतम्यम तथा च जागादि अनुष्ठायिनाम एव विद्या समाधि विशेषात उत्तरेण पथागमनम। है देखो, आपने कर्म किया तो आपको जो है उत्तराण मार्ग से जाओगे आप, कर्म समुचित उपासना हो तो उत्तराण मार्ग से, आ केवल कर्म करो तो दक्षिण मार्ग से जाओगे। तो कर्म का फल प्राप्त करने के लिए मार्ग से जाना पड़े, और ज्ञान का फल प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। न तस्य प्राण उत्क्रामंती अत्रैव समलीयन्ते, है ना? ज्ञानी को कहीं उत्क्रमण नहीं करना पड़ता है। इतना रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय